रविंद्र जी, मसालों में आपको क्या लगता है? क्योंकि देख रहे हैं कि जीना जो है काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है, 22,500 का ही लगा चुका है। हल्दी में भी अभी रिसेंटली तेजी बनती नजर आई है, 10,200 के ऊपर है, 10,450 का ही लगा चुकी है। धनिया थोड़ा सा डगमगाया है, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से अभी प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा क्या? देखिए, मसाला पैक की बात करें तो इन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। जीरा में ऑलरेडी हमारी जब भी पहले बात हुई थी उस समय भी मैंने यही बोला था कि जीरा में फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी, और अभी चांसेस यही है कि हायर लेवल से रेंज जो है काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में मूव कर रही है। RSI इस टाइम पे 89 के अराउंड बीट कर रहा है। जब तक ये RSI इसका 65 के अराउंड नहीं आता है तब तक चांसेस है कि जीरा में फर्दर बाइंग नहीं करनी चाहिए। और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसमें दिख रहे हैं ये 20,800 तक के दिख रहे हैं, और यहाँ से 20,800 लगभग 1200 पॉइंट की डाउनसाइड रैली देखने को मिल सकती है जीरा में। वहीं टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक अब आज के सत्र में भी स्ट्रांग ही खड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी तक बनती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखने को मिल रही है वीकली चार्ट पे, चांसेस ये है कि 10,500 के ऊपर सस्टेन कर सकती है कमोडिटी। और धनिया की बात करें तो धनिया में करेक्टिव पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, चांसेस है कि फर्दर सेल साइड में ये मूव कर सकती है कमोडिटी, और 10,400 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी रविंद्र जी, बात करें अगर लॉन्ग टर्म की, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए निचले स्तर पर मसाल में पोजीशन बनाना सही रहेगा? मसाला पैक में टर्मरिक में हम जरूर यहाँ से लॉन्ग टर्म बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है तो उसके बाद ही हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाइंग करना चाहिए। अदरवाइज अभी फॉर द टाइमिंग छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके बुक करके निकलना चाहिए।